हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बनने जा रहा है फिंगर और मोमोज की चटनी। मोमोज की चटनी फिंगर साथ कौन खाता है मैं नहीं जानती, बट हम लोग को बहुत अच्छी लगती है, तो मोमोज वाली ही चटनी बनाऊँगी। इधर देखिए, लहसुन, लाल मिर्ची, टमाटर, थोड़ी सी अदरक मैंने इसमें डाल ली है, इसे चढ़ा दूँगी उबालने के लिए। इधर आलूओं को मैंने बच्चों को दे दिया था छील के, बच्चे काट दिए हैं। मैं इसमें डालूंगी अरारोट का आटा थोड़ा सा। मायके में मैंने खाया था ना, तो बच्चों को पसंद है, वो लोग वीडियो देखे, बोले मम्मी हम भी खाएंगे, आप बनाइए। तो मैंने कहा चलो भाई बना देती हूँ। कटिंग वाली मशीन नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है काटने में, बहुत टाइम लग गया है। देखिए अच्छे से आटा मैंने मिला लिया है, थोड़ा सा नमक डालूंगी, फूड कलर उसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ये पानी छोड़ देगा, उसके बाद तलना शुरू करूँगी, जिससे चिपके ना, क्योंकि अरारोट का जो आटा होता है ना वो चिपका देता है एक दूसरे में। तो इससे नमक डालते हैं जिससे पानी छोड़ दे, वो अलग अलग हो जाए। उसी को मैंने डाल दिया है, दे दिया है, वो मिलाए दे रही है। मैं उधर कढ़ाई में तेल वेल निकाल रही हूँ, अभी मैंने नहाया नहीं है, सुबह सुबह चाय पी ली हूँ, उसके बाद फिर काम वाम मैंने रात को ही कर लिया था, बर्तन ज़्यादा नहीं थे, तो सुबह सुबह मैंने सोचा चलो फिंगर बना देती हूँ। मुझे तो उतना ज़्यादा ये नहीं पसंद है फ्रेंड्स, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी। तो मैंने सोचा ठंड का मौसम है ही, धूप बिल्कुल दिखती नहीं है, 12-1-2 बजे, कभी कभी तो पूरे दिन ही नहीं धूप दिखती, पता नहीं कब से धूप होगी, हम लोग परेशान हो गए हैं। फाइनली ये रेडी हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, वेट करूँगी, उसके बाद फिर देखिए तेल मैंने चढ़ा दिया है। देखिए एक बार निकाल के मैंने रख लिया है, इसे दोबारा फिर से निकालना पड़ेगा, तब ये एकदम से कड़क होते हैं। ऐसे एक बार निकाल के रख दो पक जाता है, जब गरम गरम हम लोग खाते हैं तब फिर दोबारा निकालते हैं, तो एकदम कड़क होता है, आवाज़ आती है। और इधर मोमोज की चटनी भी रेडी हो गई है, उसे उबाल के मैंने पीस लिया था, और थोड़ा सा अरारोट का आटा इसमें भी मिलाई हूँ, थोड़ा सा फूड कलर। फिर हमारा ये फिंगर और चटनी रेडी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, सबको मैंने दे दिया, ये सब खा चुके हैं। मेरा फिंगर एक बार का तला हुआ रखा हुआ है, दोबारा जब मैं खाऊंगी तो मतलब दोबारा तल लूँगी, तब वो कड़क रहेगा, नहीं तो ठंड का मौसम है और ये सारी चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। काफ़ी दिन से बाल में खुजली हो रही थी, जब मैं मायके गई थी उस दिन मैंने यहाँ से धुला था, बहुत गंदा भी हो रखा था, तो इसलिए मैंने धुल लिया है। हाथ वाथ जब हम सेकते हैं आग के पास ना, तो राख वाख उड़ती रहती है, धुआँ भी तो बालों को डैमेज भी कर देता है, तो बाल धुल ली हूँ। नल नहीं चल रहा, बच्चों को बोलो नल चला दो। फिर देखिए यहाँ से सामान ले लूँगी, पास में मंदिर है, मंदिर हो आऊँगी, मंदिर हो के आती हूँ, यहाँ की पूजा करती हूँ। देखिए यहाँ आ गई हूँ भोलेनाथ के दरबार में, काफ़ी दिन बाद, जिस दिन मायके गए थे उस दिन भी मंदिर नहीं आई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तैयार होके चली गई थी, आज प्रभु का दर्शन हुआ है काफ़ी दिन बाद। फिर देखिए मेरे घर के मंदिर में भी पूजा हो गई है, अब मैं देखिए चेक कर रही हूँ, बच्चे खा रहे हैं, टेस्ट कर रही हूँ पूजा करने के बाद कि कैसा बना है। ये देखिए बहुत यम्मी लग रहा है। तो फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अपने लिए तलूँगी और खुशी के लिए, ये खुशी को मैंने निकाल के दे दिया है। अभी मेरा फिंगर तला जा रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन सच में बहुत अच्छा बना है फ्रेंड्स। मेरा फेवरेट नहीं है इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं खाते हैं, हमें पसंद नहीं होती हैं, वो उतनी ज़्यादा हमें अच्छी नहीं लगती, हम कितना भी अच्छा उसे बना लें, तो ये कुछ बात है। चलिए जल्दी जल्दी तल लेती हूँ, फिर खाती हूँ, आपको खाना हो तो आ जाइए। कुछ भी कह लो फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज़ हमें बनी बनाई मिलती है, खाना हो, कोई भी चीज़ हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी चीज़ जो हमें बिना मेहनत की मिलती है ना, वो हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब खुद से उसे करना पड़ता है तब समझ में आता है कि हाँ कितनी मेहनत है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ, इस फिंगर को बनाने में ना 3-4 घंटे लग गए, और मायके में जब मुझे बना बनाया मिला था ना, तो मैं उन लोग को रुकिए वेट करिए अभी आती हूँ खाती हूँ, रुकिए रुकिए, लेकिन अभी लग रहा है यार कितनी मेहनत से उन लोगों ने बनाया था, जब खुद से बनाओ तो समझ में आता है। इधर देखिए बच्चों ने आग जला दी है, बहुत बढ़िया, एकदम से नहाई हूँ ना तो ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, जब बाल भी भीगे हों हम नहाए हों, ज़्यादातर हम लेडीजें डेली बाल धुल के तो नहाते नहीं हैं, तो हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो
तो आग जल रही है, चाय फिर से मैंने बना लिया है, एक कप चाय पीऊँगी यहीं बैठ के, तब जाके ठंड से मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। और शिवा बस वहीं के बारे में पूछ रहा है, नानी की हम मम्मी क्या खाई, कहाँ गई, कहाँ घूमी, ये वो, मतलब ये सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि मम्मी आप वहाँ आई, अब हमें कब लेके जाएंगे नानी के यहाँ। तो यही सारी बातें हो रही हैं बच्चों के साथ। अभी कुछ भी बना नहीं है ना बनेगा, कुछ सब लोग भर पेट खाए हैं मेरे अलावा, मैंने ही थोड़ा कम खाया, ली तो थी पूरा प्लेट भर, पूरा खाए नहीं, बच्चों को फिर से मैंने दे दिया है। हर्ष भी खा के आ गया है हाथ सेकने। हाथ वाथ सेक के फिर कपड़े मैंने धुल के डाल दिए हैं सारे, थोड़े थोड़े सूखेंगे। देखिए कपड़े उपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, धीरे धीरे सूख रहे हैं। फिर से अपने लिए एक कप चाय बनाऊंगी, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर दो चार बार चाय मिल गई ना तो लगता है चलो राहत है, जान बची है। तो चाय एक कप मैं बनाई हूँ, लेकिन हो गई है डबल, तो दो लोग पी लेंगे। फिर देखिए चाय वाय पी लिया मैंने, सारे कपड़े फिर से अंदर डाली हूँ जो मैंने डाला था, क्योंकि रात में इतना बारिश टाइप होता है, मौसम झरना जैसे झरता रहता है, अगर वहीं कपड़े पड़े रहेंगे ना तो अगले दिन फिर लगता है कि फिर से इसे धुलना पड़ेगा, ऐसा कुछ हाल होता है। तो कपड़े डाल के फिर सब्जी वब्जी मैंने पूरी कटिंग करी है, इधर देखिए धुल उल के रखी हूँ, बाल देखिए लगा हुआ है, टमाटर में कभी कभी होता है कितना भी धुल लो ये होता है, तो इसे फिर से धुलना पड़ेगा। जल्दी से सब्जी बनाऊँगी, सुबह के वही फिंगर के खाए हम सभी हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। आज ये कढ़ाई यूज करूँगी लोहे वाली, इसमें पूड़ियाँ तले थी मैं पिछले काफ़ी दिनों से, तो एक बार जब धुली हूँ ना तो उतना अच्छा साफ़ नहीं हुआ, तो मैं सोच रही हूँ आज सब्जी बना लूँगी तो हो जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ मैं गोभी तली हूँ, सब्जी इसमें बनाना पड़ा, कहीं काली ना हो जाए। सब्जी एक तरफ बन रही है, दूसरी तरफ मैंने चूल्हे में आज टमाटर और आलू भून के रखे थे, इसका चोखा बनाऊँगी। ये देखिए सारी सामग्री इसमें मैंने डाल दी है, प्याज लहसुन मिर्चा अदरक थोड़ी सी हींग तेल में तल के इसमें डाल दी हूँ, जो तेल हम डालते हैं ना उसी में थोड़ा सा मैंने हींग भी तल लिया है, जिससे ठंड ना लगे, ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो हींग वगैरह हमें खानी चाहिए, गुड़ तो खाना चाहिए लेकिन गुड़ तो हम लोग खाते ही नहीं हैं, तो मैंने सोचा हींग ही डाल दूँ। तो इसका चोखा जल्दी से बना लेते हैं, खाना सब लोग मिल के खा लेते हैं, ये रोटियाँ बन गई, सबका खाना निकला हुआ है। मैं अपनी रोटी में कभी भी घी नहीं लगाती हूँ, आप सभी को मैंने बताया, तो मेरी रोटी हमेशा सूखी ही रहती है, ये देखिए। तो खा लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सीनियर वीडियो के साथ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।